हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनी जीवन द होप। आज मैं आपको पपीता का वर्गीकरण व पपीता में पाए जाने वाले पपेन, काइमोपपेन व बीटा कैरोटीन के बारे में बताने जा रही हूँ। पपीता यूकेरियोटिक डोमेन से है। इसका किंगडम प्लांटी, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा, ऑर्डर ब्रेसिकेल्स, फैमिली कैरिकेसी है। इसका जीनस कैरिका है। इसका वानस्पतिक नाम कैरिका पपाया है। पपीता में दो महत्वपूर्ण कंपाउंड पपेन और काइमोपपेन पाया जाता है, जो प्रोटीन को क्लीव कर अमाइनो एसिड बनाता है। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अमाइनो एसिड प्रोटीन का स्मॉलर यूनिट है। पपेन या काइमोपपेन को पपाया प्रोटीनेज भी बोलते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन को इसके स्मॉलर यूनिट अर्थात अमाइनो एसिड में तोड़ता है। कच्चे पपीता को सुबह सुबह चाकू से चीरा लगाने पर जो दूध निकलता है, उसमें पपेन व काइमोपपेन पाया जाता है। पपेन का यूज अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। यह रक्त की थक्का जमने को रोकता है। यह पेट में जलन व अपच की समस्या को दूर करता है। पपेन व काइमोपपेन एक प्रकार का एंजाइम है, जिसका इम्यूनोलॉजिकल महत्व है। पपीता के क्रोमोजोम की संख्या 36 होती है। फाइटोकेमिकल्स एवं फिनोलिक कंपाउंड्स की क्वांटिटी मेल और फीमेल ट्री में अलग अलग होती है। बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह कार्य करता है व यह कैंसर के रिस्क को कम करता है। इनके अलावा पपीता की पत्तियों में कारपेन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है, जो इंटेस्टाइनल वर्म्स और पैरासाइट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। कारपेन स्वेलिंग व फीवर को भी खत्म करने में मदद करता है। किसी भी प्रकार की चोट या घाव होने पर पपीता के पत्तों का लेप बनाकर लगाया जाता है। कारपेन मलेरिया से भी बचाता है। पपीता का ताजा पका हुआ फल खाने से पाचन क्रिया तंत्र तंदुरुस्त होता है। पपीता एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट को भी शो करता है। पपीता को इनके बहुत सारे औषधीय गुणों के कारण न्यूट्रास्यूटिकल फ्रूट माना जाता है। जलने, कटने व रेसेस हुए भाग पर पपीता का पेस्ट बनाकर लगाने से राहत मिलती है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।